मोहब्बत के लिए पाकिस्तान की सरहद पार कर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर दोनों ही मुल्कों में सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा हैदर के फिल्मों में रोल ऑफर के बाद अब पॉलिटिक्स में भी एंट्री की खबरें सामने आने लगी हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने इसे लेकर बड़े संकेत दिए हैं। आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम का इस संबंध में एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने सीमा को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कही है। किशोर का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अगर सीमा हैदर निर्दोष पाई जाती हैं, उसकी जासूस नहीं होने का मामला बनता है और अगर उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है तो फिर पार्टी में सीमा को शामिल किया जा सकता है। हाँ, सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। और वैसे भी अभी तक जो जांचें हुई हैं, जो एजेंसियों की जो जांचें हुई हैं, शायद अभी तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है कि कोई दोष उनके ऊपर साबित हुआ हो या ऐसा कुछ इशारा हो ऐसा कुछ कि उनको कुछ दोषी करार दिया गया है या कोई जासूस है। तो मुझे लगता है कि अगर वो दोषी साबित नहीं होती हैं और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो उनको हम बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद देंगे, क्योंकि एक अच्छी वक्ता तो है ही, वो अच्छी प्रवक्ता भी बन सकती हैं और निकट भविष्य में अगर उनको नागरिकता मिलती है तो भारत की, ऐसा भी हो कि हम उनको अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन भी लड़ाएं, 2024 में भी चुनाव लड़ा सकते हैं, बशर्ते कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। बता दें कि किशोर मासूम मूल रूप से गांव जेवर के गांव दयानतपुर के रहने वाले हैं, जो कि रबुपुरा के पास स्थित है। वो फिलहाल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। किशोर मासूम ने आगे बताया है कि अगर इटली से आकर सोनिया गांधी भारत में राजनीति कर सकती हैं और प्रधानमंत्री पद की भी दावेदारी हो सकती है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सीमा हैदर राजनीति में क्यों नहीं आ सकती। अगर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलती है और उनके ऊपर किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, साथ ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर उनको भारत की नागरिकता मिलती है और वो दोष मुक्त होती है उनके ऊपर लगे आरोपों से, तो निस्संदेह और बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं अगर उनकी इच्छा होगी तो। और मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है अभी, और अपने जो उनके जो नज़दीकी आदमी हैं उनसे खबर पहुंच पाई भी है, लेकिन चूंकि अभी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं तो उसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद दिया जाएगा और 2024 में उनको हम कोई भी चुनाव लड़ा भी सकते हैं। बता दें कि 4 साल पहले साल 2019 में पबजी गेम के जरिए रबुपुरा के सचिन मीणा और पाकिस्तान के कराची के रहने वाली सीमा हैदर एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। इसके बाद सीमा पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची, वहां से बस के जरिए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा तक पहुँच गयी। पिछले दिनों उसको लेकर लगातार चर्चा का माहौल गर्माया रहा है। जांच एजेंसियों द्वारा उसके ISI से संबंधों की जाँच भी की जा रही है। हालांकि एजेंसियों को अब तक इस संबंध में कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। फिलहाल सचिन के साथ शादी रचा लेने वाली सीमा हैदर की फिल्मों में एंट्री होने वाली है, जिसमें वो रॉ एजेंट की भूमिका में नजर आने वाली हैं। और अब राजनीति में एंट्री के संकेत भी मिल गए हैं, यानी सीमा हैदर की कहानी अभी आगे भी सुर्खियों में रहने वाली है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।